नमस्कार सभी को, हैप्पी संडे एवरीवन। अभी आज संडे है, आराम से हम उठे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। आज बहुत लेजी डे रहा है हमारा, पूरे दिन ऋषभ सोए हैं, 4 बजे उठे हैं और 4-5 चाय पी ली है और 7:30 बज रहा है, अब जाके ऋषभ रेडी हुए हैं। कोई नहीं, होता है संडे, संडे ऐसे ही होता है, संडे को छुट्टी होती है, छुट्टी मनाई जाती है। बाकी हम कल भाई के साथ बैठे थे वीकेंडली, हम कभी कभी बैठ जाते हैं वीकेंड पे भाई के साथ, तो उससे हम बहुत सारा ज्ञान है उसके पास, हम छीन लेते हैं उससे, थोड़ा सा चुरा लेते हैं अपने लिए। तो उसने कल हमें डिसिप्लिन और धर्म को लेके काफी भाई हमारे मॉडर्न गुरु हैं भाई हमें बहुत कुछ सिखाते रहते हैं और हमें हमारी लैंग्वेज में हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सिखाते हैं। तो कल भाई बहुत अच्छी चीज हमें कुछ समझा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो अब हम आपको बताते हैं, पूरी वीडियो दिखाते हैं कि कल भाई ने हमें क्या सिखाया, आपसे भी शेयर करते हैं, शायद आपके भी काम आए। बाकी आप लोग ऐसे ही हमारे से प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, जिससे हमें पता चलता रहे हमारी वीडियो अच्छी है या नहीं है। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, कल तो ऋषभ ने मेरे इतना गंदा मेकअप कर ही दिया था, अब जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना उसमें हम ऋषभ के साथ, वो गंदा था, अरे पूरी जनता हंस के पागल होगी, नाना आपको पता नहीं है कितनी सही लग रही थी। आप लोग को पता है वो वीडियो जो आप लोग देख रहे हो, मैं अपना वीडियो खुद ही नहीं देख पा रही हूँ मैं तो उसको डीपी लगा लूंगा ना, टेंशन मत लो, आपकी जो फोटो खींची थी ना मैंने उसी को डीपी लगाऊंगा मैं, मेरी क्यूट वाइफ, मेरी वाइफ है ना, तो बंधु कल है वैलेंटाइन डे, बेबी हमें कुछ ना कुछ सरप्राइज देगी, इसलिए मैं ब्लॉग में बोल रहा हूँ, नहीं भी दे रही है तो मुझे मिल जाए, तो आप बस कमेंट में बताते रहे और कल हम आपको दिखाते हैं बीबी हमें क्या सरप्राइज देती है, अब रेडी कर लेना, मैंने बोल दिया सब ओके तो मैं आपसे शेयर करता हूँ भाई ने हमें क्या सिखाया। हर हर महादेव, हाय एवरीवन, हेलो। ये हमारे बड़े भैया जिनके नक्शे कदम पे हम चलते हैं, ये है तो हम है, और इनके लिए सब कुछ महादेव है, जो है सब प्रभु का है। तो भाई मुद्दा अभी चल रहा था कि फ्लिपकार्ट या कोई भी मुद्दा है बिजनेस के अंदर, इंसान का रोल क्या होना चाहिए। कि एक होता है कि भाई वो अपनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, एवरीथिंग। मुद्दा ये नहीं था, बात हम लोग ये कर रहे थे कि मैं ये बोल रहा था, बात अमेजन फ्लिपकार्ट की चल रही थी कि फ्लिपकार्ट नीचे जा रहा है, और यही बोल रहा था दुर्गेश, क्या बोल रहा है, अमेजन नीचे जा रहा है, फ्लिपकार्ट ऊपर जा रहा है, अच्छा ओके, Amazon नीचे जा रहा है, Flipkart ऊपर जा रहा है, तो मेरे को तो पता नहीं है, मैं इनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैं इसको ये बोल रहा था रिप्लाई में कि कोई भी ब्रांड अगर ऊपर नीचे जाता है ना, तो वो ब्रांड नहीं ऊपर नीचे जाता, उसका मालिक जो होता है ना, उसका जो ओनर है, जो उसका कर्ता धरता है, वो ऊपर और नीचे उसकी वजह से जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये तो बड़े ब्रांड हो गए, Amazon है, Flipkart है, आज अगर मेरी दुकान है साथ भी, तो कल को अगर मैं, ये मेरी साथ भी नीचे जा रही है किसी भी वजह से, तो इसका मतलब कि मैं जमीन पे नहीं हूं, मैं कहीं ना कहीं भटक चुका हूं, मैं कहीं ना कहीं मदोशी में हूं, तो मेरे से ऐसी गलतियां होंगी कि जिस वजह से मेरा बिजनेस नीचे जाएगा। तो अभी हम अपने बिजनेस के लिए बात कर रहे थे कि हम लोगों ने दिसंबर में, हमारे प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा करी कि हमने बिजनेस में अपने साध्वी में बहुत मैनेजमेंट को चेंज किया। अब वो चेंज मैंने नहीं करा, वो मेरे प्रभु की कृपा थी। तो ये कहने लगे भाई तेरे पे प्रभु की, महादेव की बड़ी कृपा है, तो मैंने कहा वो प्रभु के लिए कोई पक्षपात नहीं है, प्रभु के लिए कोई ऐसा नहीं है कि गौरव अलग है, विजय ब्रदर्स अलग है, टीएन वाले अलग हैं, ये सब हमारे जनरल गंज के बड़े नामी दुकानदार हैं, मतलब बहुत अच्छे, बहुत पुराने 35-35 साल से, हाँ, ये बहुत बड़े दुकानदार हैं जिनके नाम है, जो लोग साड़ी से कनेक्टेड है वो इनके नाम समझ गए होंगे। तो प्रभु के लिए सब लोग एक ही है, प्रभु के लिए कोई ऐसा नहीं कि गौरव जैन अलग हो गया और विजय ब्रदर्स अलग हो गया। जब मैं भटकूंगा तो प्रभु मुझे भी छोड़ देंगे मेरा हाथ। तो मैं इनको यही समझाना चाह रहा था कि हम लोगों को पता नहीं चलता, हम एक लेवल पे होते हैं, और अगर हम जीवन को डिसिप्लिन में जिए, तो चाहे मेरे लेवल पे, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई वर्कर है या मेरी दुकान का स्टाफ है, जो भी डिसिप्लिन में जिएगा जीवन को, वो इस उंगली की तरह ऊपर ही जाएगा। इस उंगली का मतलब यह है कि ऊपर की तरफ जाने का मतलब मेरा यह है कि अगर वो 10,000 आज कमा रहा है, तो अगले साल 12 पे पहुंचेगा, 15 पे पहुंचेगा। अब अगर मैं सोचूं कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं, तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, मैं जहां पर भी हूं, अगर मैं सही से इस साल को काटूंगा, इस वाले साल को, 2021 को, तो 2022 में मैं कुछ ना कुछ आगे ही बढ़ूंगा। मैं आपकी बात काट रहा हूं, मतलब मुद्दा तो वही है ना कि आपकी सोच क्या है, मतलब ये तो आपने दे दिया ज्ञान, लेकिन आपके हिसाब से ये जो ऊपर वाली जो उंगली होती है, ये जो उंगली है वो किस सिनेरियो पे है, सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है
कि डिसिप्लिन सबसे बड़ा मुद्दा है लाइफ में, आज की तारीख में हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लाइफ है, लाइफ के अंदर तीन चीजें, मैं तीन चीजों को मुख्य रूप से टारगेट करता हूँ। पहली चीज है शराब, दूसरी चीज है जुआ और तीसरी चीज है लड़की। ये तीन चीजें ऐसी हैं कि कोई ना कोई इंसान, हम जितने भी लोग हैं, इस इनमें से एक ना एक चीज में जरूर फंसे हुए हैं। अच्छा, फंसने का मतलब आप लोग समझ जाओगे, फंसने का मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो ये तीन चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। डिसिप्लिन में चलने का मतलब यह है कि आपको अपनी लाइफ को इन तीन चीजों से बचा के चलना है। इनके इनको शौक की तरह आपने करा, ठीक है, कभी कभार कोई चीज कर ली, वो चीज ठीक है, लेकिन कोई चीज में अगर आप फंस चुके हो तो आप समझ जाना कि अब आपकी तरक्की रुक चुकी है और आप आने वाले टाइम में नीचे की तरफ ही जाओगे। फिर आप भगवान को मत देखना, भगवान को आप तब देखना जब आप इन तीनों चीजों से बचे हुए हो, अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में जी रहे हो और उसके बाद भी आपकी लाइफ में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तरक्की नहीं है, तब आप भगवान की तरफ जा सकते हो। उसके अलावा भी कुछ बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, आदमी का अहंकार होता है, आदमी का क्रोध होता है, लेकिन वो सब अब कलयुग में बहुत नीचे आ चुके हैं। और ये जो लोग होते हैं जो सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में और उसके बाद भी उठते जा रहे हैं पैसे के लिए, यार देखो ऐसा होता है, ये सब बातें सामने से कुछ दिख रही है और पीछे की स्टोरी कुछ और है। अब किसी के भाग्य में पैसा लिखा ही लिखा है, अब सलमान खान है, शाहरुख खान है, ये इन लोगों को पीड़ा पैसे से हो ही नहीं सकती। ये लोग कितना भी बुरा करेंगे तब भी इन पे इतना पैसा है। मुकेश अंबानी आज से बुरा करना शुरू करेगा तो अपने मरने तक भी उसका पैसा कम नहीं होगा, उसको दूसरे दर्द मिलेंगे, अब हेल्थ है और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वो भगवान अपने हिसाब से करता है। मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में पहली प्रायोरिटी हर इंसान के लिए पैसा ही है। उसका संकट यही रहता है कि यार मैं 10-12 हजार पे हूं, मैं 15 पे कैसे पहुंचू। तो उसको अपने अंदर ये झांकना चाहिए कि क्या मेरे अंदर, मैं इन तीन चीजों में से किसी में फंसा हुआ हूं। तो अगर जवाब आता है ना, मैं तीनों में से किसी चीज में नहीं फंसा हुआ हूं, तो फिर दूसरा जवाब ये आना चाहिए कि ठीक है, मेरे को डिसिप्लिन में लाइफ जीनी है और इंतजार करना, मेरे भाग्य में नहीं है तो भाग्य को बनाना पड़ता है। और ये मैं अपने दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज मैंने भी 5,000 रुपए से इस मुकाम तक पहुंचा हूँ, तो मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाग्य को बनाया भी जा सकता है, आप अपने भाग्य को निर्मित कर सकते हो। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, हाँ, लेकिन ये बात सच है कि, और धर्म, धर्म की भी बात मैं करना नहीं भूलूंगा, धर्म भक्ति ये एक ऐसी चीजें हैं कि ये आपकी रक्षा करते हैं। ये उन लोगों की, जैसे मैं धर्म में हूं, मैं भक्ति में हूं, तो अगर मैं भटकना भी चाहूंगा ना तो मेरे प्रभु मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लेंगे। तो जो धर्म में नहीं होते हैं उनको वो एक पशु की तरह है, उस पशु क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा उसे नहीं पता। इंसान आप तभी हो जब आप धर्म कर रहे हो। जो धर्म, धर्म इंसान को विवेक देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है कि आपको जीवन में कैसे डिसिप्लिन में चलना है। डिसिप्लिन की क्या परिभाषा है? डिसिप्लिन की परिभाषा आपको धर्म से ही मिलेगी, ईश्वर से मिलेगी। किसी को भी भजो, चाहे हनुमान है, चाहे शिव है, चाहे जैन धर्म है, चाहे कोई भी धर्म है, सभी धर्मों में बराबर शक्ति है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन में उसको भजो, अपने जीवन को डिसिप्लिन में जियो। ठीक है, कोई ओकेजन है, पार्टी करो, सब चीज करो, लेकिन इन सब चीजों के साथ चलोगे तो मेरा ऐसा अटूट विश्वास है कि आपको मन को सुकून रहेगा, पैसा कम आएगा, ज्यादा आएगा, प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा। बाकी तो फिर कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर मन को सुकून नहीं है तो फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू भाई, अपना थोड़ी सी अपनी नॉलेज देने के लिए सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव।